Hello everyone, I am Professor N.B. Sate, welcomes you all in the 45th lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have discussed about the signal generator in the last lecture, right? So this is the signal generator block diagram. This is the actual photograph of the signal generator. Then we have discussed about its working and applications of signal generator in the last lecture. आज के लेक्चर में हम एक दूसरा एक सेम पॉइंट देखने वाले हैं. जैसे सिग्नल जनरेटर होता है वैसे एक दूसरा एक जनरेटर होता है, इसको बोलते हैं फंक्शन जनरेटर. ठीक है, तो जैसे सिग्नल जनरेटर वर्क होता है वैसे सेम आपका फंक्शनल जनरेटर वर्क होता है. ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर में, कि सिग्नल जनरेटर वहां पे सिंपल वेव फॉर्म्स वहां पे जनरेट करता है, लाइक साइन वेव्स, देन आपके समटाइम्स स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव. ठीक है, तो ये सिग्नल जनरेटर ये सिंपल वेव फॉर्म्स को जनरेट करता है. लेकिन फंक्शन जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये जो मैंने अभी वेव फॉर्म्स बोले हैं, साइन वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये तो जनरेट करता ही है फंक्शन जनरेटर, बट ये ऑल्सो कुछ कस्टम शेप्स को भी वहां पे जनरेट कर सकता है. ठीक, विच इन सम केसेस कैन बी क्रिएटेड एंड लोडेड इनटू जनरेटर यूजिंग सॉफ्टवेयर. ठीक, कुछ केसेस में वो क्रिएट कर करता है या फिर लोडेड करता है जनरेटर में सॉफ्टवेयर यूज करके. तो ये दो मेन डिफरेंस होता है दोनों में, सिग्नल जनरेटर एंड फंक्शन जनरेटर. काय सांगितलं मी सिग्नल जनरेटर आणि फंक्शन जनरेटर मधला डिफरन्स, की सिग्नल जनरेटर फक्त सिंपल वेव फॉर्म जनरेट करू शकतो, म्हणजे साइन वेव असेल, स्क्वेअर वेव असेल किंवा ट्रायंग्युलर वेव फॉर्म असेल. पण फंक्शन जनरेटर हे एक असं जनरेटर आहे ज्याच्यामध्ये कॅपेबिलिटी असते, हे सिंपल वेव फॉर्म तर ते जनरेट करतच, म्हणजे साइन वेव फॉर्म, स्क्वेअर वेव फॉर्म किंवा ट्रायंग्युलर वेव फॉर्म, पण त्यासोबतच काही कस्टम शेप सुद्धा ते जनरेट करू शकतो. ठीक आहे, जे काही केसेसमध्ये फंक्शन जनरेटर ते क्रिएट करतं किंवा लोडेड करतं जनरेटर मध्ये काही सॉफ्टवेअर यूज करून. ठीक आहे, हा मेन डिफरन्स आहे सिग्नल जनरेटर आणि फंक्शन जनरेटर मधला. ठीक, आपण ऑलरेडी सिग्नल जनरेटर लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केलंय, तर आजच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहेत आपण फंक्शन जनरेटर. याची ही ब्लॉक डायग्राम आहे, ही ब्लॉक डायग्राम मधले वेगवेगळे ब्लॉक्स अगोदर समजून घेऊ आपण. सो दिस इज द एक्सटर्नल फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल, ये एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल होता है आपका यहाँ पे. ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क होता है यहाँ पे, ये ब्लॉक है आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क का. देन ये है आपका अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, ये एक नंबर का ब्लॉक है. दो नंबर का ब्लॉक है आपका लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स, ये अपर का कांस्टेंट करंट सोर्स है, ये लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स है. देन ये थर्ड है आपका ट्रायंगल इंटीग्रेटर. ठीक है, ट्रायंगल इंटीग्रेटर. देन ये फोर्थ है आपका वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर, वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर. देन ये फिफ्थ है आपका रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट, रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट. देन यहाँ पे एस वन, एस टू, ये स्विचेस है. देन आउटपुट एम्पलीफायर वन एंड आउटपुट एम्पलीफायर टू, तो ये दोनों से हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो ये आपकी फंक्शन जनरेटर की ब्लॉक डायग्राम है. ठीक है, समझ में आया. एक्चुअली फंक्शन जनरेटर दिखता कैसा है, एक्चुअल उसका फोटोग्राफ ये है देखो. ठीक है, तो ये जो है ये फंक्शन जनरेटर है आपका, यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है आपको, ये फ्रीक्वेंसी का नॉब है, ये फाइन, उसको फाइन करने के लिए, ये वैल्यू को फाइन करने के लिए ये यहाँ पे नॉब दिया होता है. देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है. ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं, यानी आपको जैसी वेव फॉर्म देनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हो. तो ये जो पैनल है ये इसका फोटोग्राफ ये यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, ऊपर के डायग्राम में, लेकिन ये डिजिटल है, ये आपका एनालॉग है. यहाँ पे एक नॉब दिख रहा है आपको. ठीक है, ये नॉब के नॉब यूज करके हम इसको अलग अलग ये वैल्यू पे इसको सेट कर सकते हैं. तो ये फ्रिक्वेंसी की रेंज है 1 हर्ट्ज से, यहाँ पे 1 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की रेंज दिखाई है. ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे देना होता है, आउटपुट यहाँ से मिलता है अपने को, पल्स या फिर मेन है. ठीक है, ये फंक्शंस है आपके,
यहाँ पे एक स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करना है आपको, या फिर ट्राइंगुलर वेव फॉर्म, या फिर साइन वेव फॉर्म जनरेट करना है, तो ये अलग अलग यहाँ पे फंक्शन भी होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये प्रोब कनेक्ट करने होते हैं आपको ये पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है आपके फंक्शन जनरेटर का। नाउ इसका वर्किंग देखेंगे हम, वर्किंग कैसे होता है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट कैन डिलीवर साइन, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर वेव्स विद अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है फंक्शन जनरेटर, वो डिलीवर करता है आपको साइन वेव या फिर ट्रायंगुलर वेव या फिर स्क्वायर वेव फॉर्म को। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आपकी 0.01 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, फंक्शन जनरेटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जे आपल्याला डिलीवर करते साइन, ट्रायंगुलर किंवा आणि स्क्वेअर वेव्स, आणि ज्याची फ्रिक्वेन्सी आहे आपली 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज पर्यंत। द फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क इज गव्हर्न बाय अ फ्रिक्वेन्सी डायल ऑन द फ्रंट पॅनल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क जे आहे ते गव्हर्न केलं जातं तिथल्या फ्रिक्वेन्सी डायल जे आहे फ्रंट पॅनल वरती इंस्ट्रूमेंटच्या त्यांना। ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क इथं दिसतंय तुम्हाला, हे फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क आहे। ठीक, तर हे फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्कला गव्हर्न केलं जातं इथल्या फ्रिक्वेन्सी डायल ऑन द फ्रंट पॅनल ऑफ द इंस्ट्रुमेंट। फ्रिक्वेन्सी डायल जे आहे फ्रंट पॅनल वरती इंस्ट्रुमेंटच्या, ठीक आहे, ते गव्हर्न करतं तिथल्या फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्कला। नेक्स्ट पॉइंट आहे द फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल व्होल्टेज रेग्युलेट्स टू करंट सोर्सेस। फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल व्होल्टेज आहे ते तिथले दोन करंट सोर्सेसला रेग्युलेट करतो। ठीक आहे, हे फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल नेटवर्क हे दोन करंट सोर्सला तिथं रेग्युलेट करतं, एक आहे अपर कॉन्स्टंट करंट सोर्स, दुसरा आहे लोअर कॉन्स्टंट करंट सोर्स। सो फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल व्होल्टेज रेग्युलेट्स दीज टू करंट सोर्सेस। ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉइंट दिया है द अपर करंट सोर्स सप्लाईज अ कॉन्स्टंट करंट टू द इंटीग्रेटर। अपर करंट सोर्स क्या करता है, वहां पे कॉन्स्टंट करंट को सप्लाई करता है वो इंटीग्रेटर को। ठीक है, ये अपर करंट सोर्स है आपका। अपर करंट सोर्स ये कंपैरेटर को क्या करता है आपके, अपर करंट सोर्स सप्लाईज अ कॉन्स्टंट करंट टू द इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर को वो एक कॉन्स्टंट करंट सोर्स सप्लाई करता है अपर करंट सोर्स, हुज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस विद टाइम। जिसका आउटपुट वोल्टेज वहां पे इंक्रीज होता है टाइम से। ठीक है, हाँ हेलो, क्या है कॉल, हाँ हाँ आणि बाबा हे रिसेट केलंय आता त्याच्यामध्ये नाही दोन कमी नाही आता तुम्ही कुठं नाही करू तुम्ही। मला वाटतं बालासाहेब काटे 977@gmail.com आता काहीतरी होता ते टाकून बघा फॉरगट पासवर्ड करता येते त्याला। कोणता गेला किती हॅलो, हा ते बालासाहेब साठे 977@gmail.com आता आहे काय काहीतरी कोणतं। आता मी पण ते रिसेट केलेलं त्यांचा मोबाईल इकडे आणलेला, हा त्यामुळे मला हे काही आठवण, पण हेच आहे बहुतेक तरी। मग ते टाकून बघा आणि फॉरगेट पासवर्ड करता येईल त्याला मग। हा त्याचा ते भागवतचा नंबर मोबाईल होता ते त्यांनी घेतलाय पप्पांनी, आणि पप्पांचा मी आणला होता इकडे, म्हणलं होतं याला रिप्लेस करून दुसरा घेता येईल। आणखी जीमेल तेच होता बहुतेक तरी, बालासाहेब साठे 977@gmail.com पासवर्ड फक्त फॉरगेट पासवर्ड करावा लागेल तुम्हाला। मोबाईल नंबर आता तेच असेल कोणता तरी दोन्ही पैकी।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका द वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर चेंजेस स्टेट एट अ प्री डिटरमाइंड लेवल ऑन अ पॉजिटिव स्लोप ऑफ द इंटीग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर जो है वो वहां की प्री डिटरमाइंड लेवल को चेंज करता है पॉजिटिव स्लोप पे, इंटीग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेज के पॉजिटिव स्लोप पे, वो वहां पे प्री डिटरमाइंड लेवल पे उसको चेंज करता है। ये फंक्शन होता है आपका वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर है। ठीक है, तो वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर काय करतो, तिथल्या प्री डिफाइन लेवल जे आहे त्याची जी स्टेट आहे, ठीक आहे, स्टेट जी आहे प्री डिटरमाइन लेवल ऑन अ पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ द इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेज, जे पॉझिटिव्ह स्लोप आहे इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेजची, त्याची जी स्टेट आहे प्री डिटरमाइन लेवलची, त्याला चेंज करण्याचं काम आपलं वोल्टेज कंपॅरेटर मल्टी वायब्रेटर करतो। ठीक आहे, नेक्स्ट पॉइंट दिला इथं द लोअर करंट सोर्स सप्लाय द रिव्हर्स करंट टू द इंटिग्रेटर। लोअर करंट सोर्स क्या करता है वहां पे, रिवर्स करंट सप्लाय करता है इंटिग्रेटर को। ठीक है, लोअर करंट सोर्स काय करतो, तिथं जे इंटिग्रेटरला रिवर्स करंट सप्लाय करतो, त्यामुळं सो दॅट इट्स आउटपुट वोल्टेज रिचेस अ प्री डिफाइन डिटरमाइन लेवल। त्याचं आउटपुट वोल्टेज काय होतं, रीच होतं इथल्या प्री डिटरमाइन लेवल वरती ऑन अ निगेटिव्ह स्लोप ऑफ द इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेज। जी प्री डिटरमाइन लेवल आहे तिथल्या निगेटिव्ह स्लोप ऑफ इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेजची, तिथं आउटपुट वोल्टेज आपलं रीच होतं। ठीक आहे, तर हे आहे आपल्या लोअर करंट सोर्स फंक्शन। ठीक आहे, इथं आपलं पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेज वरती तिथं वोल्टेज कंपॅरेटर मल्टीप्लायर मल्टी व्हायब्रेटर चेंज होतं, त्याची चेंज करतो इथली स्टेट प्री डिटरमाइन लेवलची। ठीक आहे, पॉझिटिव्ह स्लोप ऑफ इंटिग्रेटर्स आउटपुट वोल्टेजची, आणि लोअर करंट सोर्स सप्लाय करतो तिथं रिव्हर्स करंट इंटिग्रेटरला, त्यामुळं आउटपुट वोल्टेज तिथं रीच होतं प्री डिटरमाइन लेवल वरती निगेटिव्ह स्लोप ऑफ इंटिग्रेटर्स आउटपुट व्होल्टेजच्या निगेटिव्ह स्लोप वरती ते प्री डिटरमाइन लेवल वरती ते रीच होत असत। ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉइंट दिला आहे द लोअर करंट सोर्स सप्लाइज अ रिवर्स करंट टू द इंटिग्रेटर। ये शायद यहां पे रिपीट हो गया है पॉइंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट सेम हो गए हैं। ठीक है, रिपीट हो गए हैं पॉइंट। तो ये है आपके वर्किंग फंक्शन जनरेटर का। देन हम स्टडी करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस फंक्शन जनरेटर के। सो फॉर टेस्टिंग द बैंडविड्थ ऑफ द ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ टेस्ट करने के लिए हम फंक्शन जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर की बैंडविड्थ टेस्ट करने अपन फंक्शन जनरेटर यूज करते। सेकंड, इट कैन प्रोड्यूस साइन वेव, ट्रायंगल वेव, सॉटूथ वेव, इवन आर्बिट्ररी वेवफॉर्म। ठीक है, फंक्शन जनरेटर तिथे साइन वेव, ट्रायंगल वेव, सॉटूथ वेव, इवन आर्बिट्ररी वेवफॉर्म सुद्धा प्रोड्यूस करू शकतो। हे आहे त्याचं सेकंड ऍप्लिकेशन। थर्ड आहे ऍप्लिकेशन, इट हॅज अ व्हेरी वाईड फ्रिक्वेन्सी रेंज, याची अतिशय वाईड फ्रिक्वेन्सी रेंज असते। इट इज अन इनडिस्पेन्सिबल युनिव्हर्सल सिग्नल सोर्स, त्याची एक इनडिस्पेन्सिबल युनिव्हर्सल सिग्नल सोर्स असते। ठीक आहे, सिग्नल सोर्स असतो, इट इज अन इनडिस्पेन्सिबल युनिव्हर्सल सिग्नल सोर्स, तो एक इनडिस्पेन्सिबल युनिव्हर्सल सिग्नल सोर्स आहे फंक्शन जनरेटर। देन फोर्थ ऍप्लिकेशन आहे, इट कॅन बी यूज फॉर प्रोडक्शन टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनन्स अँड लॅबोरेटरी टेस्टिंग।
फंक्शन जनरेटर हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर टेस्टिंग के लिए, या फिर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना है आपको, या फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग करनी है आपको, तो हम वहां पे फंक्शन जनरेटर यूज कर सकते हैं। देन फिफ्थ एप्लीकेशन है इसका, इट इज वाइडली यूज्ड इन अदर एरियाज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये वाइडली यूज होता है दूसरे एरियाज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, सच एज मेडिसिन में, एजुकेशन में, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन, अर्थ फिजिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, मिलिट्री, एरोस्पेस, ये बहुत सारे एरियाज में ये फंक्शन जनरेटर यहाँ पे यूज होता है। देन इसका सिक्स एप्लीकेशन है, यूज फॉर ट्रबल शूटिंग ऑफ डिफरेंट एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। वहां पे एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स को ट्रबल शूट करने के लिए, डिफरेंट एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स को ट्रबल शूट करने के लिए भी हम फंक्शन जनरेटर को यूज कर सकते हैं। देन इट एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर अलाइनमेंट ऑफ रिसीवर्स। ठीक है, वो एक सोर्स बोल के यूज होता है, एक्ट होता है, अलाइनमेंट जो होता है रिसीवर का, उसको सोर्स बोल के वो एक्ट होता है फंक्शन जनरेटर। तो ये है उसके एप्लीकेशंस फंक्शन जनरेटर की। क्लियर है? तो हमने आज के लेक्चर में ये फंक्शन जनरेटर की वर्किंग, देन उसके एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट। थैंक यू।